मदर तालीम पाकिस्तानी तालिब इल्म अहमद जमाल बट्टू का एजाज, खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम और जिनसी मसावात के मौजू पर मुनाकिदा मुकाबलों में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। बेहतरीन तदाबीज पेश करके $3,000 नकद इनाम भी अपने नाम कर लिया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अहमद जमाल बट्टू अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मदर तालीम है, जहाँ अहमद जमाल ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी डेंस पब्लिक पॉलिसी चैलेंज में हिस्सा लिया और तीसरी पोजीशन हासिल की। अहमद जमाल के मुताबिक मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए सरपरस्त नाम से तंजीम बनाई गई है। मुकाबलों में मुख्तलिफ ममालिक और यूनिवर्सिटियों के तलबा ने जिनसी मसावात और खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे बारे ख्यालात और तजावीज पेश की। पाकिस्तानी तालिब इल्म अहमद जमाल को बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर $3,000 नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इदारा सरपरस्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था 2-3 महीने पहले। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो सारे जस्तजू कर रहे हैं कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होती है पाकिस्तान में, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो पूरी दुनिया में फैली हुई है लेकिन पाकिस्तान में खास तौर पर ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के इंसिडेंट होते हैं, पाए जाते हैं, तो हमारा पहली कोशिश ये है कि हम इन इंसिडेंसेस को कम करें और इमोशनल सपोर्ट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट दें पाकिस्तानी उन बच्चियों और औरतों को जो जिनके साथ ये incident hote hain. As students of a public policy school, we're always thinking of the best and creative and innovative ways to tackle issues that impact a lot of women and girls in Pakistan. Gender-based violence is a human rights violation that women and girls face all over the world, so it's important for us to address that. The COVID-19 lockdown has led to a spike in domestic and gender-based violence cases worldwide. So first, we're trying to bring a group of innovative and creative students professionals from all the fields to tackle the gender-based violence in Pakistan and ensure that gender-based violence survivors will get the best solutions to for the existing problems. अपने साथ देशों का नेटवर्क लेवरेज करना चाहते हैं to bring about positive change in women's safety across Pakistan. The approach is ecosystem drive करना चाहते हैं so that women are comfortable, women are safe to actually voice their concerns about what they feel about safety standards that exist in these society across the subcontinent, I should say. SARPRAS, we are trying to incorporate stakeholders together to talk about the problems.